नवंबर से बजने लगेगी सहनाइयां, शादी, उपनयन और मुंडन के हैं शुभ मुहूर्त कि पिछले कई महीनों से लोग शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। चतुर्मास लग जाने के कारण कई शुभ कार्य नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि आगामी नवंबर और दिसंबर महीने में शादी, उपनयन और मुंडन के बहुत शुभ मुहूर्त हैं। नवंबर में कब से सहनाइयां बजनी शुरू होगी? आपने जो पूछा, नवंबर में कब से सहनाइयां शुरू हो जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है कि अब जो है दीपावली और छठ के बाद जो देवोत्थान एकादशी आएगा, इसके बाद से विवाह का लगन प्रारंभ हो जाता है। तो देवोत्थान एकादशी के बाद जो सबसे पहला मुहूर्त है नवंबर माह में, वह है 18 नवंबर 2024। इसके बाद नवंबर माह में कुल 4 शुभ मुहूर्त हैं विवाह के, 18 नवंबर, 22 नवंबर और 25 नवंबर, 27 नवंबर। इसके साथ साथ बनारसी पंचांग के मुताबिक 9 मुहूर्त हैं, पर हम लोग मिथिला पंचांग से गाइड होते हैं, मिथिला पंचांग के अनुसार चलते हैं, तो मिथिला पंचांग में इस बार नवंबर माह में 4 मुहूर्त हैं। इसके साथ साथ दिसंबर माह में 5 मुहूर्त हैं, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 11 दिसंबर। इस प्रकार हमने आपको कहा कि बनारसी पंचांग के अनुसार नवंबर माह में 11 शुभ दिन हैं विवाह के, इसी प्रकार दिसंबर माह में भी 9 शुभ दिन हैं विवाह के। टोटल मिथिला पंचांग और बनारसी पंचांग के अनुसार कुल 13 विवाह के शुभ मुहूर्त हो जाते हैं नवंबर माह में, और दिसंबर माह में 14 विवाह के शुभ मुहूर्त हो जाते हैं। अब हम लोग जो है विवाह के साथ साथ बहुत आदमी में, जो बहुत सारे कास्ट में उपनयन भी होता है, तो ये जो संस्कार है उपनयन का संस्कार, ये जो प्रबुद्ध कास्ट वर्ग लोग जो हैं इसमें उपनयन नहीं देखा जाता है दिन। तो विवाह से पहले जो तिलक होता है उसमें हम जो राजपूत वर्ग हैं वो क्या करते हैं, तो उस दिन अपने बच्चों का तिलक करने के बाद उपनयन उसी दिन कर लेते हैं और उसके बाद विवाह के लिए बच्चे प्रस्थान करते हैं। तो विवाह के जो शुभ मुहूर्त हैं वो कुल मिथिला पंचांग के अनुसार 4 और बनारसी पंचांग के अनुसार 9 नवंबर माह में, इसी प्रकार दिसंबर माह में बनारसी पंचांग के अनुसार 9 और मिथिला पंचांग के अनुसार 5 शुभ मुहूर्त हैं। मुंडन के भी कुछ मुहूर्त हैं? जी, मुंडन के भी शुभ मुहूर्त हैं। मुंडन के लिए सबसे पहला है नवंबर माह में केवल 2 मिथिला पंचांग के अनुसार, 18 नवंबर और 20 नवंबर। इसी प्रकार दिसंबर माह में कुल 3 मुंडन के शुभ मुहूर्त हैं, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 11 दिसंबर। ये चतुर्मास खत्म होने के बाद ही शुभ मुहूर्त? जी, सबसे पहले तो हमारे सामने में दीपावली आ रहा है जो 31 अक्टूबर को है, इसके बाद छठ 7 और 8 नवंबर को है, इसके बाद देवोत्थान एकादशी होगी, इसके बाद 18 तारीख को विवाह का पहला दिन नवंबर माह में प्रारंभ होगा। इसी दिन से सहनाइयां बजना शुरू हो जाएगी। परिचय, पंडित मनोत्पल झा, ज्योतिषी, महाराज जी, हाथापुणे।